ये धर्म का कार्य है, धर्म का कार्यक्रम है, और इसमें धर्म की अगर बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आजकल बहुत उठपटांग चल रहा है, वो आप टीवी पे भी देखो, फोन में भी देखो, लेकिन आप यहाँ पर आए हो कुछ ऐसा सुन के जाओ है जिससे घर जाकर वह बात हम लागू करा अपने जीवन में तो काम आ जाओ। हरियाणा में सूर्य कवि की पद मिली पंडित लक्ष्मीचंद जी, बाजे भगत जी, पंडित मांगेराम जी, जाट मेहर सिंह जी, इन कवियों की ऐसी कविता है, इंसान इनकी बातें सुन के अगर अपने जीवन में लगावे तो उसके जीवन की गाड़ी में कभी आखड़ी नहीं लग सकती। खांडेरावपुरी के किस्से से एक रागनी है, जिस समय अभी भाई नरेश ने बताया था कि वो हंस उडारी लेके और जब राजा वीरविक्रमा जीत के बागों में पहुंचे और सारे अपने दुख की कहानी बताई, वीरविक्रमा तू भी मारे मानसरोवर के सरदार, अंध हम के भंडार भरो थारे मौज उदाई बारा सा। हे महाराज, आपकी जय जयकार करते हम गुजर रहे थे तो रास्ते में इंद्र महाराज ने हमें रोका और हमारी हंसनी खोज ली, तो वहीं से राजा वीरविक्रमा जीत अपना राजपाट उन हंसों के वाले करके और ये कह के कि कह के उल्टा नहीं फिरूंगा, सदा के न कदम धरूंगा, कहरा के दुख दूर करूंगा, जीऊंगा ही मेरा राजपाट की सलाम संभालो, अगर खाली हंस ही छुटा लाया तो वापस आ जाऊंगा, मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब कहा कि वहां से चल के और एक पटियारी की सराय के सामने जाकर अपने घोड़े को रोक गया तो अंदर से आवाज आई, बटियारी रोन लाग रही, अपने बेटे को नहा धोवा कर तैयार कर रखा और बड़े अच्छे अच्छे पकवान बना रखे, और वह मां अपने बेटे ने समझावे, पकड़ कालजा रोवन लागी बेटे की कोड़ी भूखे, आज कवर्तन जाना होगा धर्मराज मंदिर से। मां के हाथा भोजन खा ले हटके फिर नहीं खाना, माँ के हाथा मलमल नाले हटके फिर नहीं नाना, जो कोई गया किले के भीतर हटके फिर नहीं आना, जिन सी जगह तेरा बाप गया रे उस जगह तने जाना। मेरी हिड़की बंद की ना जीव उथकती, जान लकड़ी की डर डर के, आज कवर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। धर्म का पेटा ला रखा था अपने हाथ कटा चल्या, ये पन्ने कणी मणि ते खाली जेब लोटा चल्या, 12 साल रहा माँ धोरे माँ ते साथ छोटा चल्या, इंदर मन मेरे पूत लाडले तू बाप का वंश मिटा चल्या, बिन साकड़ कुंदे बिन ताली तू ताड़ा भेड़ चल्या घर के, आज कबर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। और नु बोली बेटा इस बात का मन दुख रहेगा, कौन सा माँ के तू जवान हो जाता तेरी शादी हो जाती और भगवान एक पोते का मुंह दिखा देता फिर मेरे इतना दुख ना हुआ, गंगा जी में नहालू है तो गोते आली हो जाए, कनका बनकर सुआ पढ़ालू तोते आली हो जाए, भाईचारे तो मेल करूं तो नोते आली हो जाए, जब ब्याह शादी तेरे हो जाते तो मैं पोते आली हो जाए, जलवा पूजन बहु चले तेरी बंटा टोकनी शरदर के, आज कबर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। और बेटा तू के जाने है तेरे मरने के बाद में जिंदा रहूंगी, जीव को ना मरने के सिर तक कफन बांध लूंगी, मांगे राम दर्द छाती के फटे जख्म में सीऊंगी, साधु संत महात्मा के बेटा ऊट चरण नित नीऊंगी, तेरे मरने के बाद कबर ना ठंडा पानी पीऊंगी, जब जालेगा किले के भीतर एक घड़ी ना जीऊंगी, तेरी गल्या गल्या आलू की मैंने कफन बांध लिया सर के, आज कबर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। ये सारी बातें राजा वीर विक्रमा जी ने सुनी, दरवाजा खड़खड़ाया खोलिया, बेबे राम राम, आजा भाई राम राम, आयु के माजरा है, इतने बढ़िया कपड़े पहना रखे अपने बेटे को, इतने अच्छे पकवान बना रखे, डंग डाल ब्याह शादी का लग गए है और रोया पीटी कर रही। तो राजा वीर विक्रमाजीत उस भटियारी से एक बात के द्वारा पूछता है कि मैं बेपरा दुख बता के दुख है क्या कहता है, हेलो हेलो पड़ेगी तेरे
भाई संजय नीलमपुर गांव से हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे लेखक भी हैं। भाई 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, भाई का तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। और ये मेरे भाई बैठे सम्मानित भाइयों ने भी मान सम्मान में इनाम दिया, तहे दिल से भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बताया तुमने, चिंता ना करो। क्या बताया दूसरी कड़ी में, yeah।
अच्छा रूखा सूखा है खा, और भाई लौट जा आपकी रोटी पहने का अंजाम है, लेकिन यो दुख मेरा है और मेरे से निपटेगा। कहना वे मन ने तेरे को धर्म की बाण मानना है और मैं तेरा धर्म का भाई, भाई रे केरोड़ा और रेवड़ा ठीक कली में वो राजा डूब कर लगा बेबे धर्म की बाण माननी है। और भाई का फर्ज हो जब बाण के ऊपर कोई दुख तकलीफ आवे तो उसका साथ दे। बोली रे तू अतिथि है तल के चले जा, कहना बेबे उन मदद को ना ठोर ठिकाने का मानस हूं। नुवली रे बहुत से आवे छतरा पुड़ की बोर बुढ़ाई जाकर रुक जा, मरतल के बस्तरे में पांच रिजल्ट नुवले उसा को ना क्यों भाई माखे बने के क्या करे ठोर ठिकाने का मानस हूं। क्या कहता मैं आपने ये दो रंगनी इसे मौके पर सुनी जब श्याम निकलती आग सी लग रही थी। तो भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी बातें भी सुनना बहुत जरूरी है।